किसी सिपाही ने क्या खूब कहा है कि यादों की तस्वीर हमारी कभी धुंधली नहीं पड़ती, हम निःशब्द लम्हों को तिरंगे में सोड़ जाया करते हैं। नमस्कार, मैं अर्जुन देवासी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे भारतीय सैनिक की कहानी जिन्हें वीरता के लिए एक बार नहीं बल्कि दो बार सम्मानित किया जा चुका है, एक बार कीर्ति चक्र और एक बार अशोक चक्र से। तो आइए जानेंगे इस वीर सिपाही के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें ताकि हम जब भी कोई किसी भारतीय वीर की बायोग्राफी लेके आए तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। मैं बात कर रहा हूँ कर्नल एनजे नायर के बारे में, जिनका पूरा नाम था कर्नल नीलकंठन जयचंद्रन नायर और इन्हें वीरता के लिए 1983 में कीर्ति चक्र और 1994 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 17 फरवरी 1951 को केरला में हुआ था और इन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई सैन्य स्कूल कजाकुटम से पूरी की और इसके बाद कर्नल नायर एनडीए के 38वें कोर्स के हिस्से के रूप में एनडीए में शामिल हुए थे। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए के बाद कर्नल नायर वेलिंगटन में स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से भी शिक्षा हासिल की है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 जून 1971 को कर्नल नायर को अपना पहला कमीशन भारतीय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री से मिला। भारतीय सेना में अपने 20 साल के सैनिक करियर में कर्नल नायर ने कई विभिन्न मोर्चों पर मोर्चे संभाले और इसी में एक महत्वपूर्ण है, इन्होंने पुणे में स्थित आर्मी इंटेलिजेंस स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। 1983 में मिजोरम में इनकी वीरता और रणकौशल को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें 1983 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। 1993 में इनकी इकाई 16वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री को नागालैंड में तैनात किया गया था। 20 दिसंबर 1993 में जब ये अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे तब पहले से ही घात लगाकर बैठे कुछ विद्रोहियों ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में कर्नल नायर की बटालियन से एक जेसी समेत 14 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। कर्नल नायर इस हमले में बुरी तरीके से घायल हो गए लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में न रख करके अपनी बटालियन को निर्देशित करते रहे और वीरता का परिचय दिया। उनकी इस वीरता और निर्देशन के कारण वहां से विद्रोहियों को भागना पड़ा और कुछ विद्रोही मारे भी गए और उसके बाद इस हमले में घायल होने के कारण कर्नल नायर शहीद हो गए। उनकी इस असाधारण वीरता रणकौशल और कुशल नेतृत्व के लिए भारत सरकार ने 26 जनवरी 1954 को इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारतीय सेना के पहले ऐसे सैनिक थे जिन्हें कीर्ति चक्र और अशोक चक्र दोनों से ही सम्मानित किया जा चुका है। सो फ्रेंड्स, ये थी कर्नल एनजे नायर की बायोग्राफी। सो आपको कैसी लगी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और अगले मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।